कि उज़्बेकिस्तान का एक रूल है कि यहाँ पर आप जितने भी दिन स्टे करते हैं, जितने भी दिन ठहरते हैं, तो आप जिस जिस जगह, जिस हॉस्टल में या जिस होटल में ठहर रहे हैं, वहाँ से चेकआउट करते टाइम आपको एक रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है। वो होटल वाले फ्री में प्रोवाइड करते हैं, हॉस्टल वाले सब फ्री में प्रोवाइड करते हैं। तो वो आप 10 दिन रहें या 15 दिन रहें, जो भी रहें, आप हर दिन का जो है वो वाउचर और जो रजिस्ट्रेशन लेटर है वो अपने साथ कैरी करें, इसलिए कि जब आप रिटर्न होंगे अपनी कंट्री में और इमिग्रेशन में हो सकता है कि ऑफिसर आपसे उसकी डिमांड करे और फिर आपके पास ना हो तो आपको फ़ाइन भी भरनी पड़ सकती है, लिहाजा इसका खास ख्याल रखें। फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत अच्छा है, एयरपोर्ट के अंदर ही बहुत अच्छा इम्प्रेशन हुआ था और एयरपोर्ट के अंदर जो स्टाफ था उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है और सिम कार्ड लिया वहाँ पर भी बहुत अच्छे से बिहेव किया। और ये हमारे टैक्सी वाले भाई हैं, माशाल्लाह बहुत नरम खू है और बहुत तहजीब और अदब के साथ बात कर रहे हैं। यहाँ पर हाथ बिल्कुल, चूँकि फर्स्ट टाइम इतनी सर्दी में आना हुआ है इसलिए काफ़ी ठंडी लग रही है और हाथ में ग्लव्स भी नहीं पहनेंगे, ऐसा लगता है यहाँ ग्लव्स की ज़रूरत पड़ेगी। टैक्सी के लिए एक ऐप है यंडेक्स, लेकिन अभी उसका एक्सपीरियंस नहीं है। ये भाई साहब है हमारे, तो इनसे कुछ बार्गेनिंग हो रही है टैक्सी के लिए। टैक्सी वाले भाई साहब हैं, मान गए। पहले हमारे हिंदुस्तान के हिसाब से 1000 रुपया कह रहे थे, फिर बात करते करते 450 रुपये में मान गए। और माशाल्लाह देखो, इन्होंने सामान भी मेरा उठा लिया, मैंने मना भी किया, उसके बावजूद भी इसरार के साथ उन्होंने मेरा बैग उठा लिया। वाकईतन पहला जो इम्प्रेशन है और पहला जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है। योर कार इज विंटेज, ओल्ड कार, ओल्ड मॉडल, गुड। ये इनकी गाड़ी है, देखो सारी बर्फ जमी हुई है और सामने है खूबसूरत ताशकंद एयरपोर्ट। तो चलिए अब निकलते हैं होटल की तरफ। एक चीज़ है दोस्तों कि जब इंसान मेहनत करता है तो उसकी कदर करनी चाहिए। एक हद तक तो बार्गेनिंग और भावताव अच्छी चीज़ है, लेकिन फिर ये भी समझ लेना चाहिए कि जब आदमी इतना इशारा कर रहा है तो उसको कोई ना कोई उम्मीद होगी। अब ये रात के 2 बज रहे हैं और -3 टेम्परेचर है और बर्फ़ जमी हुई है, पूरी गाड़ी और गाड़ी की डिक्की और गाड़ी की पूरी बाहर की जो साइड है वो पूरी बर्फ़ से ढकी हुई है। उसके बावजूद भी ये लोग टैक्सी चलाते हैं एयरपोर्ट से इस उम्मीद में कि कोई ना कोई क्लाइंट मिल जाएगा, तो हमें इनकी भी कदर करनी चाहिए। व्हाट इज़ योर नेम? मुराद। मुराद, मुराद, या मुराद, माशाल्लाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मोमिन भाई हैं और मुराद इनका नाम है। तो बहुत संजीदगी के साथ ये मिले, सामान भी उठा लिया। अभी रात का वक्त है और बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा है, तो शायद मैं बाहर के जो खूबसूरत मनाजिर है इस वक्त आपको नहीं दिखा पाऊँगा। तो कोशिश करता हूँ फिर भी आपके लिए कोई अच्छे अच्छे मनाजिर में कैद कर सकूँ अपने कैमरे में, तो फिर वो आपके लिए पेश करूँगा इंशाल्लाह। In 500 meters, turn right onto Ulitsa Yuraxor, Yuraxor Street. होटल पर पहुंच चुका हूं। इस वक्त घड़ी में 2:45 बज रहे हैं और बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, चूँकि अब रात बहुत गुजर चुकी है। तो ये मेरा होटल है, ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, होटल ब्योन। बाद में मैं इसकी तफसील आपको बताऊंगा कितने में ये होटल पड़ा है और क्या है। होटल भी है और साथ में हॉस्टल भी है। मेरे टैक्सी वाले साहब जा रहे हैं छोड़ के। बहुत ही खूबसूरत मंज़र है, माशाल्लाह इमारत भी बहुत अच्छी है और आप देख सकते हैं बर्फ़ ही बर्फ़ है हर जगह। रात बहुत हो चुकी है इसलिए मैं थोड़ा आहिस्ता बोल रहा हूँ, ज़ोर से बोलना मुनासिब नहीं। आसपास के कमरों में हो सकता है ट्रैवलर्स और गेस्ट सो रहे हों। बहुत ही अच्छा होटल है और इतना क्लीन है, मुझे तो बिल्कुल यानी 4-स्टार होटल जैसी फीलिंग आ रही है। ये होटल मुझे इंडिया के हिसाब से करीब 1500 में पड़ा है। 1500 में ये होटल हिंदुस्तान में अगर इस क्वालिटी का और इतनी फैसिलिटीज़ वाला और इतना साफ़ सुथरा होटल लेने जाएंगे तो हमारे यहाँ कम से कम 5-6 हज़ार रुपये में मिलेगा। तो इस हिसाब से उज़्बेकिस्तान के अंदर होटल्स और हॉस्टल बहुत सस्ते हैं। हॉस्टल तो इससे भी ज़्यादा सस्ता होगा, समझ लो 600-700 रुपये में तो आराम से आपको एक अच्छा हॉस्टल मिल जाएगा। आज चूँकि हॉस्टल मुझे नहीं मिल पाया था तो आज की डेट के लिए थकान भी थी, तो इसके लिए मैंने मुनासिब समझा प्राइवेसी भी मिल जाए और अकेला कंफर्टेबल होके सो सकूं। तो ये बाथरूम है और गर्म पानी का भी निज़ाम है, बाथरूम भी बहुत अच्छा है। ये रहा मेरा टॉयलेट, बहुत साफ़ सुथरा है माशाल्लाह। ये देखिए, ये लाइट बंद हो गई और ये टच स्क्रीन वाली लाइट भी है, बहुत यूनिक चीज़ है माशाल्लाह। और वॉश बेसिन भी आप देख सकते हैं, एकदम साफ़ सुथरा है।
तो इसको ऑफ कर देते हैं। और ये रहा हमारा रूम। सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत कमरा है। और यहाँ बालकनी है। ओहो हो, देखो माशाल्लाह, बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। और ये बाहर का मंजर है माशाल्लाह। ये एसी नहीं चल रहा है बल्कि टेम्परेचर माइनस में है, इसलिए हीटर चल रहा है, इसमें से गर्म हवा आ रही है। इस तरफ भी एक बेड है और इस तरफ भी एक बेड है, तो दो बेड वाला कमरा मिला है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक केटल भी है माशाल्लाह, खूबसूरत कप और प्लेट भी है। और ये एसी का रिमोट हो गया। और ये पानी की दो बोतल भी रखी हुई है। और कमरे में, रूम में पहनने के लिए माशाल्लाह, ओ माशाल्लाह, मुसल्ला, ये बहुत अच्छी बात है, सुभान अल्लाह। रात को काफ़ी देर हो गई थी, यहाँ पहुँचते पहुँचते दो बज गए थे, अंधेरा भी था और लोग सोए हुए भी थे, तो मैं अच्छे से आपको दिखा नहीं सका था। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी बहुत अच्छा होटल है। यहाँ पर ये रिसेप्शन है और यहाँ पर वेटिंग एरिया है। माशाल्लाह साफ़ सुथरा होटल है। और वहाँ पर सामने सूरह बकरा की, कुरान करीम की तिलावत चल रही है। यहाँ पर ये मोहतरमा बैठी हुई है, इन्होंने मुझे कहा कि नाश्ते के लिए होटल की दीवार से लगकर दूसरी जगह जाना है, जो इन्हीं की प्रॉपर्टी है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत मंजर है। इस वक्त घड़ी में 9:45 बज रहे हैं सुबह के, और बहुत ही ठंडा वेदर है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, हर तरफ बर्फ जमी हुई है। तो ये होटल है अपना। चलिए, ब्रेकफास्ट का वक्त हो चला, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या क्या है। तो ये इनका बेसमेंट है, यहाँ पर लॉन्ड्री रूम है और ये किचन वर्क्स है इनका। नाश्ते में बहुत सारे आइटम हैं, क्या खाएं क्या नहीं, बुफे ब्रेकफास्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर माशाल्लाह ये स्वीट पफ है, और ये मस्का हो गया, ये दही हो गया यहाँ का, नींबू है, चॉकलेट है, और ये किशमिश है, और ये कस्टर्ड है, और ये अखरोट है, सलाद है, ये बीफ के कबाब है, और फ्रूट्स हैं। दोनों किस्म के ब्रेड हैं, हमारे यहाँ ब्राउन होते हैं, इसी से ये सिमिलर है माशाल्लाह। मिल्क है इसकी तल के अंदर, गर्म पानी है, और ये कितने खूबसूरत हैं आप देख सकते हैं। और इसके अंदर कॉफ़ी चाय वगैरह है, माइक्रोवेव है। और ये इनका किचन हाउस है, यहाँ पर ये कट्टेस है, और ये बीफ के कबाब है, और ऑमलेट है इनका, ये किचन है। बैठ करके मैंने अभी अभी नाश्ता किया, ये सारे टेबल्स लगे हुए हैं यहाँ पर, तो माशाल्लाह। आप ही अंदाज़ा लगाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइए कि 1400 रुपये में इतना फुल फैसिलिटी वाला कमरा, मैनी मैनी ऑप्शन, इतने सारे ऑप्शंस थे नाश्ते में, क्या खाया जाए और क्या छोड़ दिया जाए। फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होटल का है वो बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। तो अभी नाश्ते से फारिग हो गए अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा नाश्ते का। यहाँ 11 बजे चेकआउट टाइम है, लेकिन मैं थोड़ा रात देर से पहुँचा था, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी कि वैसे तो मैं ऑन टाइम चेकआउट कर दूंगा, लेकिन अगर हो सकता है कि आधा एक घंटा लेट हो गया, तो उन्होंने कहा कि कोई हर्ज नहीं, आधा एक घंटा आप लेट हो जाए तो कोई मसला नहीं है। तो फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ऑन टाइम चेकआउट कर दूँ, इसलिए कि दूसरे गेस्ट भी होते हैं, उनका बुकिंग रहता है, तो बाज़ दफ़ा क्या है ना, बिल्कुल ऑन टाइम पे कस्टमर आ जाता है, तो हमारी वजह से किसी को आगे पीछे होना पड़ता है, होटल वालों को परेशानी में मुबतला होना पड़ता है। तो ये मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ, अपने टाइम पे इसको चेकआउट कर ही देना चाहिए। इस होटल का जो टाइम है वो दिन में 2 बजे चेक इन का टाइम है, और दूसरे दिन मॉर्निंग में 11 o'clock को उसका चेकआउट टाइम है। तो रात को मैं 2 बजे पहुंचा था, तो 2 बजे आके फिर सो गया, वो इसीलिए कि थोड़ी प्राइवेसी रहे और थकान हो, तो थकान की वजह से बाज़ दफ़ा लेट आना और फिर अपने सामान के साथ आना, तो हॉस्टल में बहुत सारे लोग सोए हुए रहते हैं, तो उनको तकलीफ़ देना, जगाना मुनासिब नहीं, इसलिए मैंने एक प्राइवेट रूम ले लिया। तो दोस्तों, काफ़ी थकान हो रही है, और गुज़िश्ता रात भी चूँकि तेजस एक्सप्रेस से सफ़र करके दिल्ली आया था, तो ट्रेन में बराबर नींद नहीं मिली थी, और इस रात में भी बराबर अब तक नींद नहीं मिली है, और काफ़ी थकान है, तो इसकी वजह से अभी बस सोने की तैयारी करूंगा। अब इंशाल्लाह दूसरी होटल में मैं इस वक्त जा रहा हूं, और फिर वहां पर वो कैसा होटल है, क्या एक्सपीरियंस रहता है, इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूंगा।
और बाकी के व्लॉग्स जो है वो इंशाल्लाह धीरे धीरे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा अपलोड होते रहेंगे। तो आज के इस सफर में और आज की जर्नी में आप लोग मेरे साथ अखीर तक जुड़े रहे, इसके लिए आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरीके से आप मुझे प्यार देते रहिए, सपोर्ट करते रहिए, वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और ताशकंद के मुख्तलिफ जो तफरीही मकामात है और यहाँ के जो टॉप अट्रैक्शंस हैं उसको तो हम अब आइंदा कल से एक्सप्लोर करना शुरू करेंगे। तो अभी तक का एक्सपीरियंस ताशकंद का बहुत अच्छा रहा, तो उम्मीद करता हूँ कि आगे के जितने दिन इस मुल्क में गुजारने हैं उज़्बेकिस्तान में, तमाम जगहों का एक्सपीरियंस और तजर्बा बहुत अच्छा रहेगा। आप लोगों की दुआएं हैं, मजीद दुआओं की दरख्वास्त है कि अल्लाह तबारक व तआला सफर को आसान फरमाए और जो नेक तमन्नाएं हैं उम्मीदें हैं अल्लाह मेरी भी पूरी फरमाए, आप लोगों की भी पूरी फरमाए। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, जज़ाकुमुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।